पायलट के प्रदेश प्रभारी बनते ही कांग्रेस में मचा बवाल। क्या चुनाव से पहले राहुल ने सचिन को थमाई बागडोर? आखिर पायलट का किरोड़ी लाल मीना पर क्यों छलका दर्द? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आज के ताजा बवाल पर। और इस आज के ताजा बवाल के खास प्रोग्राम पर बात करेंगे सचिन पायलट को लेकर। वाकई में देश के अंदर रोज नए नए ताजा बवाल हो रहा, और ऐसे में एक और नया ताजा बवाल लेकर हम आपके सामने आ गए। दर्शकों, बता दें कि सचिन पायलट यहां पर प्रदेश प्रभारी बने, और उनके इस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली सी मस्ती हुई नजर आ रही। बता दें कि जिन्होंने इन्हें प्रदेश प्रभारी बनाया और ये प्रदेश प्रभारी बने, लेकिन कुछ नेता कांग्रेस में ऐसे हैं जिनके गले ये बात नहीं उतर रही कि आखिरकार सचिन पायलट को पद पे पद कैसे मिल रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले, अगर आपको याद हो तो चुनाव के पहले गहलोत का एक बड़ा बयान सामने आया था, और गहलोत एक शब्द बोलते नजर आए थे कि मैं तो ये कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी गरमाई थी। अब ऐसे में इधर विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, और विधानसभा के चुनाव में राजस्थान की कुर्सी गहलोत के हाथ से चली, और गहलोत का वो वादा, वो बयान झूठा साबित हुआ। वहीं उन्होंने ये वादा भी किया था कि पार्टी में वो कहीं ना कहीं अहम रूप पर दिखाए जाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि गहलोत कांग्रेस पार्टी के अहम हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर सचिन पायलट ने वो सारी जगह कहीं ना कहीं घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अब एक अलग नीति पर खेलती हुई नजर आ रही। कांग्रेस पार्टी ने जितने पुराने और उम्रदराज नेता थे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर साइड किनार करने का काम कर दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के वो बड़े और जो है अनुभवी नेता, या बात करें कि एक दशक से जो कांग्रेस के साथ में थे, उनको यहाँ पर अब वो खास वैल्यू, वो खास तवज्जो नहीं दिया जा रहा। चाहे आप गहलोत की बात कर लीजिए, चाहे आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लीजिए, इन दोनों ही नेताओं को यहाँ पर वो तवज्जो, वो जो मिलना चाहिए खास, वो नहीं मिल रही है। हालांकि चुनाव के वक्त गहलोत को तो यहाँ पर वो वैल्यू दी जा रही थी, लेकिन गहलोत की वैल्यू अब चुनाव के बाद खत्म हो गई। और यहाँ पर जितने नए नेता हैं, जितने युवा नेता हैं, उनको लगातार कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक भार सौंपती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं उनको आगे लेकर आ रही है, पार्टी के फ्रंट फुट पर बिठा रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कमलनाथ भी पार्टी के एक बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। उनके पार्टी के नेता तो हैं, लेकिन वो जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कमलनाथ, से वो पद भी छीन लिया गया। कमलनाथ अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा, जीतू पटवारी को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो, अगर मुखिया के तौर पर देखा जाए या जिनके हिसाब से पार्टी चलती है, राहुल गांधी, उन्होंने ये पूरा प्लान बना लिया है कि अब पार्टी पर सिर्फ नया चेहरा, या बात करें नए युवा चेहरों को ही यहाँ पर मौका दिया जाएगा जो पार्टी की कमान को संभाल सके और 24 के चुनाव में उनको जीत दिला सके। ऐसे में दर्शकों, सचिन पायलट के इस प्रभारी बनने के बाद से ही, प्रदेश प्रभारी बनने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की सुगबुगाहट चालू, और ख़ास तौर पर बात करें गहलोत की, क्योंकि गहलोत के बाद सचिन पायलट ही थे जो राजस्थान की सियासत पर अपना परचम लहरा सके। और ऐसे में शायद कांग्रेस पार्टी ये समझ गई कि गहलोत की अब उम्र हो गई, गहलोत की अब वो बात नहीं रही, इसलिए गहलोत को अब साइड कर दिया गया और सचिन पायलट को यहाँ पर फ्रंट में लाया गया ताकि चुनाव जीते जाए। और सचिन पायलट को यहाँ पर पूरी तरह से अब कहीं ना कहीं पार्टी का वर्चस्व सौंपते हुए भी देखा जा सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार जिस पावर शेयरिंग को लेकर 5 साल तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच घमासान छिड़ा रहा, उसी विवाद की छाया अब बीजेपी पर भी पड़ती नजर आ रही है। विपक्ष में रहते हुए कुछ लगातार मुखर रहने वाले बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीना अब सत्ता के अब बाद खामोश। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट का किरोड़ी लाल मीना को कमजोर जो है महकमे बांटे जाने को लेकर तंज कसा। सचिन पायलट ने कहा कि जैसे विभाग बांटे हैं वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का विशेषाधिकार है। पायलट ने आगे कहा कि किरोड़ी लाल मीना भाजपा के वरिष्ठ नेता है जिन्होंने 5 साल सड़क पर उतर कर संघर्ष किया है।
पायलट बोले कि किरोड़ी लाल मीना के समर्थक क्या उम्मीद लगाए बैठे थे। उम्मीद थी कि उन्हें बड़ा पद मिलेगा, लेकिन जो विभाग दिया गया वो काट छाट कर दिया गया। बहुत समिति कार्य कृषि विभाग दिया गया, बाकी विभाग नहीं दिए गए। निर्णय सरकार और बीजेपी का है, लेकिन ऐसा दिखता है कि जो मेहनत किरोड़ी लाल मीना ने भाजपा के लिए की थी उसका फल उन्हें नहीं मिला और उनके साथ न्याय नहीं हुआ। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट किरोड़ी लाल मीना के लिए अपनी जो दर्द है उसको छलकाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी जो भावना है उसको अभिव्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट का यहाँ पर मानना है कि किरोड़ी लाल मीना के साथ न्याय नहीं किया गया, किरोड़ी लाल मीना के साथ यहाँ पर अन्याय किया गया और जो मेहनत उन्होंने पार्टी के लिए की थी वो उनको यहाँ पर उसका फल नहीं मिलता। दर्शकों, ऐसे में ये कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सचिन पायलट शायद ये जान चुके हैं या सचिन पायलट ये समझ गए हैं कि कैसे दूसरे पार्टी के नेताओं पर निशाना साधना है और उनको अपने पार्टी के अंदर लाना है। ऐसे में सचिन पायलट का अचानक से किरोड़ी लाल मीना पर दर्द छकना कई बड़े सवाल करता है। क्या सचिन पायलट अब बीजेपी के खाते से कुछ नेताओं को चुराना चाहते हैं? क्या किरोड़ी लाल मीना इस प्रकार का जिस तरह उनके साथ व्यवहार हुआ अब वो कांग्रेस में जाने वाले हैं? ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। वहीं सचिन पायलट ने अगर बात करें तो भजन लाल सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बयान पर भी पूरी तरह से निशाना साधा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इशारों में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी बड़ा वार किया। पायलट बोले, मंत्रियों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, बड़े पद पर बैठे कई लोगों की जुबान फिसलती है। सरकार अभी आई और नई नई बनी है और बहुत कुछ करना भी बाकी। सरकार की शुरुआत में ही दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो आने वाले टाइम पर और क्या कुछ हो सकता है। दर्शकों, आपको बता दें कि सचिन पायलट का ये जो तंज था ये न सिर्फ बीजेपी पार्टी पर था बल्कि अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पर था, क्योंकि अशोक गहलोत की बात करें और सचिन पायलट की बात करें तो कई बार इनके अब जो है अनमन की खबरें भी देखने को मिली हैं कि क्योंकि राजस्थान की सियासत पर गहलोत के बाद सचिन पायलट ही हैं जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और गहलोत की जिस प्रकार से उम्र दराज की बातें कही जा रही, गहलोत को यहाँ पर वो तवज्जो नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में सचिन पायलट का सामने आना, सचिन पायलट का बयान देना और सचिन पायलट का यहाँ पर पद के ऊपर पद ग्रहण करना और सचिन पायलट को तमाम मीटिंगों पर बैठकों पर जाते देखना और बैठकों पर बैठना, ये कई सवाल खड़े करता है कि सचिन पायलट अब अपने ही पार्टी के नेताओं पर तंज कस रहे हैं। और वाकई में यहाँ पर जो उन्होंने भजन लाल सरकार पर तंज कसा उससे रिलेटेड अगर किया जाए, उसके कयास देखे जाए, उसके मायने देखे जाए, तो यहाँ पर गहलोत सरकार पर भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा और गहलोत को भी इस बात के लिए कहा। उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़े नेताओं को, बड़े मंत्रियों को अपनी जो है बातों को सोच समझ कर रखना चाहिए, अपनी जो है जुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए और बिना कुछ सोचे समझे बयानों को नहीं देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं उस बात से कयास लगाए जा रहे हैं जो गहलोत ने यहाँ पर चुनाव के पहले दिए थे और गहलोत ने यह वादा किया था कि मैं तो कुर्सी को छोड़ना चाहता हूँ मगर ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ना चाहती, तो ये कहीं ना कहीं सचिन पायलट के दिमाग में रही और सचिन पायलट ने अब भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते बोलते एक बार गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया और कहीं ना कहीं ये जो हमला बोला गया ये कांग्रेस पार्टी के कुछ उन कद्दावर नेताओं पर बोला गया जो उनके पार्टी के लिए तन मन धन के हिसाब से अर्पित थे और पार्टी के लिए बहुत कुछ काम भी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन पुराने नेताओं को यहाँ पर पछाड़ दिया। और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी यही कर रही है, यानी कि देश की दो बड़ी पार्टियाँ यहाँ पर अपने अपने पुराने नेताओं को हटाकर नए नेताओं को आगे कर रही और चुनाव जीतने की रणनीतियां बना रही है। कमलनाथ को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर पटवारी को बनाया गया, यहाँ पर सचिन पायलट को पद दिए गए, गहलोत को अब यहाँ पर ना के बराबर वैल्यू दी जा रही है और गहलोत यहाँ पर थोड़े से अनमन दिखाई दे रहा है, गहलोत का यहाँ पर कुछ बातचीत जो है वो भी समझ में नहीं आ रही, तो गहलोत अब शांत बैठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, ऐसे में सचिन पायलट भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का नया पड़ाव लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी तो चुनाव के पहले और चुनाव के बाद से एक्टिव थी ही, तो कहीं ना कहीं ये जो नए नए चेहरे हैं या जो नए नए
पॉलिटिक्स इनके साथ नेता हैं और ये जो एक जो है यंग नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं और युवा नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, इनको अब कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़े मौके देने वाली है, बड़े पद देने वाली है। अगर 24 के चुनाव यहाँ पर इंडिया गठबंधन के दम पर कांग्रेस जीतती है तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी, तो यहाँ पर सचिन पायलट और यहाँ पर प्रियंका गांधी को बड़े बड़े पद कहीं ना कहीं दिए जाएंगे और ऐसे कई बड़े नेता, और यहाँ पर कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार का भी जिक्र होता है। कन्हैया कुमार अपनी पार्टी के लिए आए दिन जो है भाषणबाजी करते हैं, आए दिन रैलियों में जाते हैं और आए दिन युवाओं से मिलते हैं, छात्र संघ के नेताओं से मिलते हैं और ये बताते हैं कि उनकी पार्टी कितनी ज़्यादा सही और भ्रष्टाचारहीन पार्टी है। उनके पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं है और वो जनता के लिए सोचते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। ऐसे में दर्शकों, जिस प्रकार से सचिन पायलट ने यहाँ पर किरोड़ी लाल मीना पर निशाना साधा और उनके सांत्वना देने की प्रकार से बात करी, उनके ऊपर उनका दर्द छलका, दुख छलका और बताया कि जितनी मेहनत किरोड़ी लाल मीना ने भाजपा के लिए की थी उतनी मेहनत का फल उनको यहाँ पर नहीं मिला और ऐसे में उनको मेहनत का फल मिलना चाहिए, और सचिन पायलट जो कि कांग्रेस पार्टी के और बीजेपी नेताओं के बारे में सब बोल रहे हैं तो इससे कई बातें निकल कर आती हैं। या तो सचिन पायलट यहाँ पर एक तंज के रूप पर उनसे बातचीत कर रहे थे या फिर सचमुच उनका दर्द छलक रहा है और जो चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीना और उनके जैसे कई नेता कांग्रेस में शामिल हो ताकि आने वाले चुनाव में उनको एक बड़ा फायदा देखने को मिले, क्योंकि भाजपा पार्टी इन दिनों खुद की कई टकरारों को लेकर अनबन के रूप पर देखी जा रही है और उनके बीच में थोड़ी बहुत अनबन है जो नेताओं के बीच में, उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। क्योंकि बीजेपी पार्टी के अंदर अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जो बड़े कद्दावर नेता हैं मध्य प्रदेश की राजनीति पर, और अगर बात करें हम राजस्थान की राजनीति पर, तो ये दोनों ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनने को लेकर अभी भी अपने मन पर कुछ ना कुछ लेकर बैठे जरूर, और वो रार अगर 24 के चुनाव में देखने को मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को इससे झटके भी लग सकते हैं, और यही कहीं ना कहीं इसकी वजह है कि कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठा रही है और कांग्रेस पार्टी इसी वजह से यहाँ पर अपने जो युवा नेता हैं उनको फ्रंट पर लाकर काम करा रही है और बैकफुट पर भेज दिया पुराने नेताओं को। यहाँ पर अगर पुराने नेताओं के तौर पर बात किया जाए तो कमलनाथ को यहाँ पर साइड किया गया, गहलोत को साइड किया गया, तो कई बड़े सवाल खड़े करता है। दर्शकों, अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर या सचिन पायलट ने जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीना को लेकर अपनी बातों को रखा, उन पर उनका जो दुख छलका है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या किरोड़ी लाल मीना अब कांग्रेस के साथ जाते हुए नजर आते हैं या फिर सचिन पायलट अब कुछ नया षड्यंत्र चुनाव के लिए रचते हुए नजर आते हैं? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों, आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाय।